नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 15/10/2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो एज प्रिडिक्टेड इन द लास्ट वीडियो मैंने जो पॉवर्टी दिखाया तो निफ्टी निफ्टी ऊपर ही गया है, तो लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर लास्ट मोमेंट में ये जो आया है, मैंने इधर निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर का ओपन किया है, ये 38.2% का लेवल के ऊपर क्लोज दिया है। इसका ऊपर जाएगा तो ये 357, एक्चुअली मैंने कल बोला था 368 ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, सस्टेन किया था, गया भी था, लेकिन ऊपर नहीं रख पाया, मोमेंटम नहीं रख पाया और फिर से नीचे आ गया। तो इधर इसको ये 50% के ऊपर 364 वही लेवल 50% के ऊपर जब जाएगा तो उसके ऊपर ये 61.8 और इसके ऊपर फिर जा सकता है, ले और नीचे आएगा तो ये मतलब फ्यूचर नीचे आएगा तो वही लेवल जो 11,090 के नीचे, ये 11,054, 11,020 यार, इसके बाद 9,930 और इसके बाद ये 10,750 तक आ सकता है। उसके बाद 10,650 में इसका लास्ट सपोर्ट है, उसका नीचे जाएगा तो बहुत नीचे जा सकता है। और बैंक निफ्टी का मैंने बताऊंगा, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने देखूंगा तो वो भी एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये 38.8% के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ये ऊपर गया था लेकिन 50% के ऊपर नहीं जा पाया। और नीचे भी इसका ये सपोर्ट है 27,700 और 27,394, उसके बाद 26,821 इधर इसका 26,650 में इसका लास्ट सपोर्ट है, और ऊपर जाने के लिए इसको 28,448 28,650 और 28,960 के ऊपर जाना पड़ेगा, मेनली 28,550 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा तभी तो ऊपर जा सकता है। इसका ऑप्शन चेन देखूंगा तो निफ्टी का निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर देखिए ये जो पीसीआर रेशियो है निफ्टी का, ये लगभग 1 है, ये 1 के ऊपर ऊपर जा सकता है तो ये बुलिश हो आ जाएगा। तो इधर कॉल साइड में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है 11,300 में और 11,400 में, और सपोर्ट 11,400 में इसका रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और 11,300 में इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके बाद 11,200 में, उसके बाद 11,000 में सपोर्ट है। तो इधर देखिए इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, तो इधर मतलब इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कल साइड में, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप है लेकिन इधर शॉर्ट बिल्डअप में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और इधर शॉर्ट बिल्डअप में कल साइड में शॉर्ट बिल्ड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम है, तो मतलब मार्केट इधर फिर से शॉर्ट कवरिंग होकर लॉन्ग बिल्डअप होने का चांस ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो ये पीसीआर रेशियो 67-66 है, इसके ऊपर ये नीचे आ सकता है, इसका इमीडिएट सपोर्ट 28,500 पे है और इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर 28,000 में इसका सपोर्ट है और इधर रेजिस्टेंस है 28,500 में, तो ये भी ये नीचे भी जा सकता है, ये नीचे जा सकता है। इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए 70,000 है और इधर 2,75,000 है, तो मतलब इधर मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ ये 3 दिन का एक्सपायरी दिन से, देखिए मैंने 11,300 का निफ्टी मैं निफ्टी का सपोर्ट 11,300 पकड़ता हूँ तो इसका प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का ज़्यादा है, लेकिन 11,000 मैंने 11,200 करेंगे तो इस सॉरी सॉरी इधर 11,000
दो